ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस की बैठक प्रीति गृह बिलासपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। बैठक के पश्चात क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष रैली भी निकाली और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिलासपुर युवा कांग्रेस की बैठक प्रीति गृह बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। बैठक के बाद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष रैली निकाली और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली के बाद हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का पुतला भी जलाया गया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए आशीष ठाकुर ने सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिला से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता होने के बावजूद यहां का क्षेत्रीय अस्पताल है, वे आज रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। सरकार में बड़े बड़े नेता काम करने के बाद इन नेताओं को जनता के हितों की कोई भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला की जनसंख्या 4 लाख से ज्यादा होने के बावजूद क्षेत्रीय अस्पताल में एक भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट कार्यरत नहीं है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि पिछले एक महीने से लगभग 6 चिकित्सक क्षेत्रीय अस्पताल से ट्रांसफर होकर अन्य जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युवा नेता ने प्रदेश सरकार एवं जिला स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि आने वाले एक सप्ताह में कम से कम 3 मेडिसिन स्पेशलिस्टों की नियुक्ति के साथ रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद भरे जाएं, अन्यथा युवा कांग्रेस आंदोलन को उग्र करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश एवं जिला प्रशासन की होगी। आज ये जो अस्पताल है वो अस्पताल न रहकर एक रेफरल अस्पताल बन चुका है। हमने 2 हफ्ते पहले भी प्रदेश की गुंगी बहरी सरकार से मांग की थी और साथ में स्वास्थ्य विभाग से मांग की थी कि जल्द से जल्द क्षेत्रीय अस्पताल के अंदर MD की नियुक्ति की जाए, अन्यथा हम आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। पर समझ नहीं आता है कि जो स्थिति 2 हफ्ते पहले थी वही स्थिति आज देखने में यहाँ आ रही है। बिलासपुर जिला की जनसंख्या 4 लाख से ज्यादा है और 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है, जो कि मुख्यतः कृषक है। उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो लोग किसी निजी अस्पताल में अपने रोगी का उपचार नहीं करवा सकते हैं। तो मीडिया के माध्यम से मेरा प्रदेश की सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इस क्षेत्रीय अस्पताल में MDs की नियुक्ति की जाए और जो डॉक्टर ट्रांसफर हो चुके हैं उनकी जगह पर नए डॉक्टरों की यहां पर नियुक्ति की जाए।